मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं, तुम तो जानती हो। आप मुझसे सचमुच प्यार करते हैं अब भी? हाँ, ऑफ कोर्स। तो फिर शादी कर लीजिए मुझसे। डॉली, अब तो सुमन की सारी प्रॉपर्टी आपके नाम हो गई, अब तो कोई रुकावट नहीं, अब तो हम शादी कर सकते हैं। ठीक है, अगर शादी कर लेने से तुम्हारा वहम दूर हो जाता है, तुम्हारा यकीन मुझ पर फिर से कायम हो जाता है, तो ठीक है, शादी कर लेते हैं। हम अगले ही हफ्ते शादी कर लेंगे। पापा, आपको सारी हकीकत बता दी है मैंने। अब बेटी, इतनी बड़ी बात तुमने इतने दिनों तक मुझसे छुपा कर रखी, अरे क्या अपने पापा भरोसा नहीं रह गया बेटा? नहीं पापा, ऐसी बात नहीं है, आप पर तो मुझे भगवान से भी ज्यादा भरोसा है, लेकिन मैं सुमन की दी हुई कसमों से बंधी हुई थी। जब तक उसका मकसद पूरा नहीं हो जाता तब तक सच्चाई ना बताने की कसम खाई थी मैंने। पापा, कहीं ना कहीं उस बेचारी की जिंदगी में जो तूफान आए हैं उसके लिए मैं जिम्मेदार हूं। अगर उस रात मेरी कार उसकी कार से ना टकराई होती तो वो आज अपने पति के साथ होती। ऐसा नहीं सोचते बेटा, अरे तुमने वो जानबूझ के थोड़ी ना किया, और उस वक्त कोई तुम्हारी भी तो जान लेना चाहता था। वो तो अब भी मेरी जान लेना चाहता है, मगर मैं बिना ठोस सबूत के अब किसी पर कोई इल्जाम नहीं लगाऊंगी। क्या सोच रही हो बेटी? तुमने और सुमन ने जो किया उससे मुझे कोई नाराजगी नहीं है, बल्कि उसके मकसद में मदद करके तुम बहुत नेक काम कर रही हो। और हाँ, मैं तुम्हारे फैसले से बहुत खुश हूं, और मैं पूरी तरह तुम लोगों के साथ हूं। पापा, आपसे एक रिक्वेस्ट है। हाँ बोलो बेटा। जब तक सुमन अपने मकसद में कामयाब नहीं हो जाती तब तक आप किसी को भी हमारी असलियत के बारे में मत बताइएगा, संजय को भी नहीं। ठीक है, आज से राज सिर्फ हम तीनों के बीच ही रहेगा। ओके, थैंक यू पापा, थैंक यू। मानसी, आई एम सॉरी। किस लिए? वो आज जो कुछ भी हुआ वो गलत हुआ, मुझे तुमसे इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी। एक्चुअली मानसी, वो संजय, गलती मेरी है, आई एम सॉरी। तुम अभी तक नाराज हो? नहीं तो? तो फिर इतनी उखड़ी उखड़ी क्यों लग रही हो? ठीक है, तुम भी ना। ये वो हथियार है मम्मी जी, जिसके इस्तेमाल से मानसी की, संजय की जिंदगी और इस घर से हमेशा हमेशा के लिए विदा। ऐसा क्या है इस टेप में? मानसी का असली चेहरा, उसकी करतूतें, सब कुछ, सब कुछ है मामा जी इस टेप में, सब कुछ है। क्या मतलब? मामा जी
मानसी रंजीत के साथ जो गुलछर्रे उड़ा रही है ना, वो इस टेप में कैद है। अब जब संजय इस टेप को देखेगा तो वो ये कि कोई भी पति अपनी पत्नी की बेवफाई बर्दाश्त नहीं कर सकता, चाहे वो उससे कितना ही प्यार क्यों ना करता हो। मुझे पूरा यकीन है कि जब संजय ये टेप देखेगा तो वो मानसी को इस घर से भगा देगा। हाँ बहना, तब पत्नी की बेवफाई में चोट खाए पति को रोने के लिए कंधे की जरूरत तो पड़ेगी ना। मैं ना कहती थी भैया, किस मानसी की काट सिर्फ हमारी मालिनी है। हाँ बहना, आज तो मैं भी मान गया, वही हमारी मालिनी का तो कोई जवाब ही नहीं है। मामा जी, मामा जी, अब इससे पहले कि संजय ऑफिस के काम से घर से बाहर चले जाए, हमें उसे ये टेप दिखाई देना चाहिए। हाँ, चलो, 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 चलो। बेटा, ऑफिस जा रहे हो? हाँ माँ, एक्चुअली ऑफिस में कुछ इम्पोर्टेंट मीटिंग है, इसलिए मैं निकल गया। बेटा, पहले घर, बाद में बिजनेस। क्या माँ, आपके रहते मुझे भला घर की चिंता करने की क्या जरूरत है? बेटा, जब तक घर की बात घर में थी मैं संभालती रही, मगर जब मामला घर से बाहर निकल जाए तो। माँ, आप साफ साफ बताइए बात क्या है। देखो भांजे, कल मानसी बेटी ने कितना बड़ा इल्जाम लगाया था मुझ पर, लेकिन लेकिन तुम्हें तो पता नहीं कि वो इल्जाम झूठा साबित हुआ था। मामा जी, मैं आपसे उस बात के लिए कल माफी मांग चुका हूं। मैं अब भी उस बात के लिए बहुत शर्मिंदा हूं, प्लीज आप भी उन बातों को भूल जाइए। संजय, ये लोग तो उस बात को भूल जाएंगे, लेकिन कल जो हुआ वो क्यों हुआ ये तुम नहीं जानते। बेटा, घर की इज्जत है इसलिए मैं खुद अपने मुंह से कुछ नहीं कहती, मगर यदि मैं आज ना कही तो कल दुनिया कहेगी। माँ, आप साफ साफ बताइए बात क्या है। बेटा, बहू और रंजीत की नजदीकियां माँ, आप ऐसी बातें कर रही हैं, मुझे मानसी पर पूरा भरोसा है। तो कल की बात का आप लोग मुझसे इस तरह से बदला निकाल रहे हैं? नहीं, बल्कि तुम्हारी हकीकत सामने ना आ जाए इसके लिए कल तुमने हम लोगों पर झूठा इल्जाम लगाकर हम लोगों को इस घर से बाहर करने की कोशिश की। मामा जी, आप इस घर की बहू के चरित्र पर लांछन लगा रहे हैं। और बहू जो अपनी इज्जत सरेआम नीलाम कर रही है वो। मामा जी, आपको कोई हक नहीं है मानसी से इस तरह से बात करने का, क्या सबूत आपके पास? अच्छा, अगर रंजीत के साथ इसका रिश्ता नहीं है तो ये बार बार क्यों रंजीत के घर जाती है, क्यों रेस्टोरेंट में उससे मिलती है? अरे मालिनी ने खुद उसे देखा है। मां, मानसी इस घर की बहू है, कोई भी कुछ भी आपसे आकर कहेगा और आप उसका यकीन कर लेंगे? सॉरी मालिनी, ये हमारे घर का आपसी मामला है। उस दिन तुम्हारे कहने पर होटल में मानसी पर मैंने शक किया, क्या नतीजे निकला उसका? मगर भांजे, हम कल रात की बात कर रहे हैं, पूछो इससे कि कल रात को ये किसके साथ थी। ओह गॉड, लगता है इन्होंने कल रात को सुमन को रंजीत के साथ देख लिया है। पूछो, पूछो इससे, पूछो ना। मामा जी, कल रात मैं अपने अंकल से मिलने के लिए गई थी, अगर आपको यकीन ना हो तो उन्हें फोन करके पूछ लीजिए। हम सुनी सुनाई बातों पे नहीं, आंखों देखी बातों पे विश्वास करते हैं। और हाँ भांजे, तुम्हें सबूत चाहिए ना, हैं? तो ये मालिनी के हाथ में जो कैसेट है उसमें इसकी और रंजीत की करतूतों की रिकॉर्डिंग है। मामा जी, आप ये कैसेट संजय को दिखा दीजिए, तभी शायद इसे हम लोगों की बात पर यकीन आएगा। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अब मैं संजय को कैसे समझाऊंगी कि इस टेप में जो है वो मैं नहीं सुमन है? क्यों बहू, तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों उतर गया? बेटा, जब तू ये टेप देख लेगा ना, तब तुझे पता चलेगा कि मैं इससे इतना नफरत क्यों करती हूँ। अरे बेटा,
ये तो कभी भी तेरे लायक नहीं थी। इसने तुझसे शादी नहीं की थी, तेरी प्रॉपर्टी से शादी की थी। अब इसकी नजर शायद रंजीत की प्रॉपर्टी पर है। अब मैं क्या करूं सुमन, अब इन्हें कैसे समझाऊं कि वो तुम हो। एक दिन तुमने मेरे संजय को मुझसे छीना था मानसी, आज मैं तुमसे तुम्हारे संजय को छीन रही हूं। हिसाब बराबर। मामा जी, ये क्या मजाक कर रहे हैं? ये मालिनी ने यही तो कैसेट दिया है मुझे। संजय, अब मैं आपसे कुछ नहीं कहूंगी, सब कुछ तो आप देख ही चुके हैं। मानसी, मुझे तुम पर पूरा भरोसा था, पूरा भरोसा। संजय, अगर मैं इस घर में हूं तो सिर्फ तुम्हारी वजह से, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूं। लेकिन अगर मामा जी और मम्मी जी ये नहीं चाहते हैं कि मैं इस घर में रहूं, तो मैं यहां से चली जाऊंगी। ये जरूर इसकी कोई चाल है भांजे। बस मामा जी, बस ये कहता हूं, अब मैं ना तो कुछ सुनना चाहता हूं और ना ही कुछ देखना चाहता हूं। हर घर में सास बहू में झगड़ा होता है, नन भाभी में झगड़ा होता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि एक दूसरे की इज्जत पर कीचड़ उछाला जाए। मानसी इस घर की बहू है, इस घर की इज्जत है वो, और आज के बाद मैं ये हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगा मामा जी कि कोई इस घर की इज्जत को इस तरह उछाले। मां, आज पहली बार मुझे दुख हुआ कि आप भी एक आम इंसान की तरह गलती कर सकते हैं। एक आम इंसान की तरह। बहुत दुख हुआ मुझे। चलो मुंशी। मम्मी जी, पता नहीं ये सब कैसे हो गया। बस मालिनी, बस। शायद मैंने ही तुम पर बहुत ज्यादा विश्वास कर लिया था, इसलिए इस कैसेट को देखे बगैर इतना बड़ा कदम उठा लिया, जिसकी वजह से आज मैं अपनी बेटी की नजरों में भगवान से एक आम इंसान बनकर रह गई। मम्मी जी, लेकिन बस मालिनी, बस। ना कुछ कहना है, ना कुछ है। मेरा तो जो नुकसान होना था वो हो चुका, और इसकी भरपाई आसान नहीं, आसान नहीं, आसान नहीं। अरे बहना, मामा जी, वो देखो मालिनी, मेरे सारे प्लान्स फेल जरूर होते थे, लेकिन उनकी वजह से इतनी बेइज्जती कभी नहीं हुई।
अब सब लोग मेरी ही गलतियां गिनाएंगे, लेकिन ये सब हुआ कैसे मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जानती हो, मामा जी और मम्मी जी की शक्ल तो देखने लायक थी, और वो मालिनी, उसे तो जैसे कुछ सूझ ही नहीं रहा था कि वो क्या कहे। मानसी, तुम खुश हो ना? बहुत खुश। लेकिन सुमन, एक बात बताओ, उस दिन तुम रंजीत के साथ ही थी ना? हाँ, तो फिर वो टेप भी सही होना चाहिए था ना? टेप सही तब होता जब वो वही होता। यू नो रंजीत, मुझे बहुत मजा आया। थैंक यू सो मच। यू वेलकम। बट यू नो मानसी, आई थिंक इफ यू डोंट माइंड मी सेइंग सो, आई थिंक दैट यू आर अ लिटिल कंफ्यूज्ड इन लाइफ, कि तुम्हें खुद नहीं पता कि तुम्हें जिंदगी से क्या चाहिए। यू नो व्हाट आई मीन? रियली? रंजीत, आई एम सॉरी, लेकिन मुझे अचानक याद आया कि मैं कुछ भूल गई हूँ। कैन आई जस्ट गो इन फॉर अ मिनट? एंड ओह या, प्लीज, आई जस्ट टेक अ मोमेंट। हाँ, ये जरूर मम्मी जी का काम होगा। खुद सामने आने की बजाय दूसरों से जासूसी करवा रही है। लेकिन अगर ये टेप उनके हाथ लग गई तो मेरे और मानसी दोनों के लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी। कौन हो तुम? जी मैं यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तो किसी शरीफ के घर में घुसकर इस तरह से वीडियोग्राफी करने का अंजाम जानते हो तुम? जिंदगी भर जेल में सड़ा सकती हूँ मैं तुम्हें। नहीं नहीं मैम, मुझे माफ कर दीजिए, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ। दरअसल मैं शादी ब्याह के मौकों पे वीडियोग्राफी करके अपना परिवार का पेट पालता हूँ, और पुलिस के लफड़े में फंस गया तो बहुत मुसीबत हो जाएगी। अगर तुम पुलिस से बचना चाहते हो तो सीधे सीधे मुझे बता दो कि तुम्हें किसने भेजा है। मैम जाने दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। वो लगता है मेरी बात तुम्हें समझ में नहीं आ रही है, पुलिस को फोन करूँ अभी? नहीं नहीं, पुलिस को फोन मत कीजिएगा, मैं आपको बताता हूँ। दरअसल मुझसे मालिनी मैम ने ये काम करने के लिए कहा था, और उसकी आवाज में कुछ मालिनी जी कसट दो जी कसट दो नहीं तो फोन लगाती हूँ अभी पुलिस को। नहीं नहीं देता हूँ, ये लीजिए। देखो, मेरा नाम मानसी श्रॉफ है, श्रॉफ ग्रुप्स ऑफ इंडस्ट्रीज की मालकिन हूँ मैं। कल ऑफिस में आके मुझसे दुगनी रकम लेके जाना जी। लेकिन एक बात ध्यान से सुन लो, इस कसेट की जगह मालिनी मैडम को तुम दूसरी कसेट दो। जी मैं समझ में आ रहा है या नहीं? जी बिल्कुल समझ गया। आप चलो जाओ यहाँ से। जी मैं जाता हूँ। पिछले दरवाजे से। जी मालूम है। I'm sorry. Oh, that's all right. So, where were we? तुम कह रही थी कि हाँ, you know रंजीत, मुझे लगता है कि मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि मुझे ज़िंदगी में क्या चाहिए, और शायद इसीलिए आज मैं यहाँ तुम्हारे साथ। But मैं कोई गलती नहीं करना चाहती, क्योंकि इंसान एक गलती की वजह से पूरी जिंदगी दुख झेलता रहता है। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। रंजीत, मुझे तुम्हारा फार्म हाउस बहुत अच्छा लगा, एंड फार्म हाउस का ओनर भी। थैंक यू, थैंक यू। एंड इस फार्म हाउस का केयर टेकर भी। यू मीन वो डफर, वो बेवकूफ मोहन? प्लीज ऐसे मत बोलो, I find him really cute. रंजीत, उसको मुंबई ले चले। ये तो तुमने कमाल कर दिया सुमन,
उनकी चाल उन्हीं पर चल दी। हाँ, उन्होंने फाइल बदली थी, हमने टेप बदल दिया। बस यही सब बताने के लिए मैंने तुम्हें कल रात वहाँ बुलाया था, लेकिन श्रॉफ अंकल के आ जाने से सब गड़बड़ हो गई। लेकिन सुमन, पापा तो अब हमारे साथ ही है ना? हाँ है तो, लेकिन मानसी, मैं पापा जी के सामने मम्मी जी की पोल तब तक नहीं खोलना चाहती जब तक हमारे पास ठोस सबूत ना हो। यही सोचकर मैंने भी पापा जी को मम्मी जी के बारे में कुछ नहीं बताया है। मानसी, हम उन तीनों की, मालिनी, मामा जी और मम्मी जी की पोल एक साथ खोलेंगे। बस एक बार मुझे उनके खिलाफ सबूत इकट्ठे कर लेंगे। अरे मैं ऑफिस चलती हूँ। हाँ ठीक है, लेकिन तुम सावधान रहना। सावधान तो मैं रहूँगी, क्योंकि मालिनी चोट खाने के बाद चुप नहीं बैठेगी। जो भी हो सुमन, संजय को मुझसे छीनने में वो कभी कामयाब नहीं होगी। तुम ऑफिस जाओ, तब तक मैं जरा इस मालिनी की खबर लेती हूँ। ओके, मैं चलती हूँ। हेलो। हेलो, बोलो मानसी। बस यूं ही तुम्हारा हालचाल पूछने के लिए फोन किया। क्यों, मुझे क्या हुआ है? नहीं, मुझे लगा सुबह सुबह के वाक्य के बाद तुम्हें काफी शर्मिंदगी हो रही होगी, तुम मुझसे माफी मांगना चाह रही हो। मानसी, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत जल्दी मैं तुम्हारा असली चेहरा सब लोगों के सामने ला कर रहूंगी। मालिनी, जो वक्त तुम मुझ पर जाया कर रही हो ना, उतने वक्त में तुम अपने लिए एक अच्छा खासा दूल्हा ढूंढ लेती। लड़का तो मैंने अपने लिए पसंद कर लिया है, बस कुछ रुकावटें हैं बीच में, उन्हें जरा हटा लूं, फिर धूमधाम से शादी भी कर लूंगी। मालिनी, तुम बेकार की जिद क्यों कर रही हो? देखो, जब दुनिया ने मुझे मरा हुआ मान लिया था, तब संजय ने तुमसे शादी नहीं की, राइट? तो अब तो सवाल ही नहीं उठता, भूल जा। मानसी, संजय मुझे सिर्फ इसलिए नजरअंदाज कर रहा था कि उसे यह लगता है कि उसकी बीवी दुनिया की सबसे अच्छी बीवी है और वफादार भी। पर तुम देखना, मैं बहुत जल्दी उसका ये भ्रम भी तोड़ दूंगी। और मैं भी बहुत जल्द तुम लोगों की असलियत संजय के सामने रख दूंगी। देखते हैं मानसी, कौन कितनी जल्दी किसकी असलियत सामने लेकर आता है। मालिनी, मुझे लगा था कि आज के वाकये के बाद तुम्हें थोड़ी बहुत अकल तो आ ही गई, लेकिन लगता है तुम अपनी और बेइज्जती करवाने पर तुली हुई हो। तो अब मुझे तुम्हारी ये मनोकामना तो पूरी करनी पड़ेगी। तैयार है मानसी? Go to hell! जब तक शॉफ साहब इस बिजनेस को संभालते थे, तब तक आपके कंपनीज के मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्ट हमको ही मिलते थे। लेकिन जब से इस बिजनेस को मिस्टर संजय जी ने टेक ओवर किया है, उन्होंने इन टेंडर की जिम्मेदारी मिस्टर गोवर्धन को सौंप दी है, और उसके बाद से आज तक हमें एक भी नया कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला है। क्या ये सच है मिस्टर रॉय? यस मैम। और फिर मिस्टर लालवानी के काम से हमें कभी कोई प्रॉब्लम भी नहीं हुआ। वेल मिस्टर लालवानी, हमारी कंपनी अपने पुराने दोस्तों को कभी नहीं भूलती। ये प्रोजेक्ट आप ही करेंगे, बस आई होप कि आप हमारे भरोसे पर आंच नहीं आने देंगे। हम वादा करते हैं मैडम, आपको कभी भी किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं। आपने जो हम पर भरोसा किया, उसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। थैंक यू वेरी मच। ओके, बाकी के पेपर्स हम लोग कल साइन कर लेंगे। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फोर्थकमिंग प्रोजेक्ट। थैंक यू वेरी मच। गुड लक। गुड लक। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। बाय। मैम, आपने ये प्रोजेक्ट मिस्टर लालवानी को तो दे दी, मगर शायद ये बात गोवर्धन जी को अच्छा ना लगे। देखिए मिस्टर रॉय,
आज के बाद इस कंपनी में ये नहीं होगा कि किसको क्या पसंद है, बल्कि वो होगा जो कंपनी के फायदे में होगा। Did you get my point? Yes, ma'am. Okay, आप मिस्टर लालवानी के पेपर्स तैयार करिए। Right, ma'am. And don't worry. Yeah. गोवर्धन जी, हाउ आर यू? फाइन। बहुत दिनों बाद दिखाई दे रहे हैं आप। हाँ, मैं छुट्टियों के लिए जरा बाहर चला गया था। आप बड़े खुश दिखाई दे रहे हैं। खुश होने की तो बात ही है, जो प्रोजेक्ट मिस्टर सूरी को मिलने वाला था वो मैडम ने मुझे देने का वादा किया है। भाई दबे, आप छुट्टियों के लिए कहाँ गए थे? स्विट्जरलैंड? नहीं, झुमरी तलैया। वैसे वो भी बहुत अच्छी जगह है। हैव अ नाइस डे। एक मुसीबत से बाहर निकला नहीं कि दूसरी मुसीबत में फंस गया। अब इस लड़की का मैं क्या करूं? ये जरूर मुझे एक दिन मरवा के छोड़ेगी। मानसी, ये मैं क्या सुन रहा हूं? जो कॉन्ट्रैक्ट मैंने मिस्टर सूरी को देने का वादा किया था वो तुमने लालवानी को देने का वादा कर लिया। चिल्लाइए मत और पहले मेरे सवाल का जवाब दीजिए। जब मैंने आपको ऑफिस में आने से मना किया था तो फिर आप यहां क्या कर रहे हैं? वो संजय ने मुझे कहा आ जाओ, इसके लिए आया मैं। संजय से मैं बात कर लूंगी, आप इसी वक्त घर वापस जाओ। मानसी, मैं क्या तुम्हें कोई तेल बेचने वाला सेल्समैन दिखाई दे रहा हूं जो तुम मेरे साथ इस तरह का बर्ताव कर रही हो? ये मत भूलो कि मैं इस कंपनी के मालिक का इकलौता साला हूं। तुम मुझे यहां काम करने से नहीं रोक सकती। आप यहां क्या काम करते हैं या क्या काम करना चाहते हैं मैं अच्छी तरह से जानती हूं। मानसी, चिल्लाइए मत। ऑफिस के लोग अगर सुनेंगे तो आपकी ही बेइज्जती होगी। तुम जो कुछ भी कर रही हो ना, वो ठीक नहीं कर रही हो। तुम मेरे खिलाफ कुछ भी साबित नहीं कर पाई हो। सांच को आज क्या मामा जी, बस थोड़ा सा इंतजार कीजिए, सच्चाई अपने आप सामने आ जाएगी। ठीक है, मैं भी देखता हूं कि तुम अपनी मनमानी कब तक करती हो। याद रहे, अगर मैंने तुम्हें घर और इस ऑफिस से धक्के मारकर बाहर नहीं निकलवाया ना, तो मेरा नाम बदल देना। अपना नाम बदलने की तैयारी शुरू कर दीजिए। अपने आप को समझती क्या है? छोड़ूंगा नहीं इसे, छोड़ूंगा नहीं। हाँ, हेलो मानसी, मैं होटल के नीचे पहुंच गई। ठीक है, तुम नीचे आ जाओ। हाँ ठीक है, मैं पहुंचती हूँ। सूरी साहब, कहिए क्या सेवा कर सकता हूँ मैं आपकी? हाँ, लेकिन ये खबर आपको दी किसने? हाँ देखिए, दरअसल आजकल ऑफिस का सारा काम धाम मानसी देखती है ना, तो वो। लेकिन सूरी साहब, लेकिन मेरी बात तो सुनिए। लोग सही कहते हैं, दुनिया बड़ी मतलब की है। कल तक इसको मुझसे कॉन्ट्रैक्ट पाना था तो कैसे खुशामद करता था मेरी, गोवर्धन जी, गोवर्धन जी, गोवर्धन जी। और आज मुझे धमकी दे रहा है। लेकिन पैसा लाऊंगा कहां से? और अगर इसके पैसे नहीं लौटाए तो ये मुझे छोड़ने वाला नहीं है। समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। ये सब इस मानसी की वजह से हुआ है, मानसिक की वजह से। सुमन नीचे पहुंच गई, मैं घर जा रही हूं। ठीक है।
हाँ देखो मैं यहाँ से निकल गई हूँ, तुम जल्दी से ऊपर आ जाओ। और हाँ, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज गिफ्ट है तुम्हारी इस दोस्त मानसी की तरफ से। सरप्राइज? अरे बताओ तो सही क्या सरप्राइज है। अरे पहले से बता दूंगी तो सरप्राइज क्या रहेगा। चलो जल्दी से आ जाओ। अच्छा बाबा मैं आती हूँ। बहुत मजा आएगा ना घूमने के लिए। जूम, जूम, जूम। आप? हाँ मैं। पर आंटी अभी तो आप नीचे गई थी, फिर आप लौट आए? वो अभी तो तुम कह के गई थी ना किसी अर्जेंट काम से तुम बाहर जा रही हो, भूल गई? आंटी लगता है कि आप कोई इम्पोर्टेंट चीज यही भूल कर चली गई थी, इसीलिए लौट आई ना, है ना? हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रहे। पर आंटी आप इतना क्या इम्पोर्टेंट यहाँ भूल कर गई थी? बेटे तुम दोनों से ज्यादा इम्पोर्टेंट मेरी जिंदगी में कुछ और नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं। देखो ना जल्दी जल्दी में मैं तुम लोगों के लिए चॉकलेट भी नहीं ला पाई। कोई बात नहीं, इन्हें आज बाहर घुमाने ले जाओ और वहां चॉकलेट भी ले देना। क्यों क्यों सरप्राइज पसंद आया? थैंक यू सो मच इन्हें यहाँ बुलाने के लिए। चलो बच्चों देरी क्यों कर रहे हो, चलते हैं। कम ऑन। सो मच इन्हें यहाँ बुलाने के लिए। चलो बच्चों देरी क्यों कर रहे हो, चलते हैं। कम ऑन। हेलो हेलो सुनिए भाई साहब। हेलो हेलो क्या हुआ बेटा? क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? क्या हुआ बेटा? हाँ बता। कुछ ठीक नहीं, वो हंसी को किसी ने क्या कर लिया? क्या? और उसके बदले में 1 करोड़ रुपए की मांग की। हो ना हो ये काम मेरे भाई का ही, 1 तीर से 2 निशाने, पैसा और मानसी की जान दोनों। क्या कह रहे हो संजय? हाँ पापा, और उसने धमकी दी है कि अगर 24 घंटे के अंदर पैसों का बंदोबस्त नहीं किया तो वो मानसी को जान से मार देंगे। उनकी ये मजाल, मैं अभी पुलिस कमिश्नर को फोन लगाता हूँ। वो 24 घंटे की बात कर रहे हैं ना, मैं 4 घंटे के अंदर उनको हवालात पे बंद करा दूंगा, समझे? अगर बात पुलिस तक पहुंच गई तो और कोई नहीं, हम दोनों भाई बहन ही हवालात में। अरे आप ये क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? अरे वही कर रहा हूँ जो मुझे करना चाहिए। देखिए हमारा एक गलत कदम कहीं हमारी बहू की जान के लिए खतरा ना।
बन जाए। पापा मम्मी ठीक कह रही है, बिल्कुल ठीक कह रही है। हमें किसी भी कदम उठाने से पहले बहुत सोच समझ कर उठाना पड़ेगा। अरे पापा क्या हुआ? अरे मामा जी बहुत बड़ी मुसीबत आ गई। ओहो सब खैरियत तो है? कुछ भी खैरियत नहीं मामा जी। मामा जी को मांझी को किसी ने किडनैप कर लिया। क्या? हाँ मगर किसने? पता नहीं। हो ना हो ये वही लोग हैं, इन्होंने पहले भी मानसी की जान लेने की कोशिश की है। ये वही लोग हैं बाबा। ये सारी लापरवाही मेरी। मानसी ने मुझे बार बार आगाह किया कि उसकी जान को खतरा, लेकिन मैंने उसकी बात को सीरियसली नहीं लिया, उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया मैंने, और ये मुसीबत। तू चिंता मत कर बेटा, तू चिंता मत कर। हमारी मानसी पहले भी सही सलामत वापस आ गई थी और इस बार भी वापस आ जाएगी, लेकिन मैं इन घिनौनी हरकत करने वालों को कभी नहीं छोड़ूंगा, समझे? तसल्ली। सब ठीक होगा, सब ठीक होगा, सही सलामत वापस आ जाए वो। तू घबरा मत बेटा, सब ठीक होगा। बस तू घबरा मत, संजय सब ठीक होगा। कैसे ठीक होगा? सब ठीक हो जाएगा। क्या जरूरत थी मानसी को किडनैप करवाने की? अरे बहना, इतना बड़ा कदम उठाने से पहले मुझसे एक बार पूछ तो लेते। तुमने जब भी कोई काम किया उल्टा ही किया। कभी तुमने सोचा अगर ये बात पुलिस तक पहुंच गई होती और हम लोग पकड़े गए होते तो क्या होता? ओहो तुम खुद ही बोलती रहोगी या मुझे भी कुछ कहने दोगी? इतना कुछ कर लेने के बाद कुछ कहना सुनना बाकी रह गया क्या? लेकिन मैंने कुछ भी नहीं किया है। क्या? हाँ सच कह रहा हूँ मैं। अरे भला मैं मानसी को किडनैप क्यों करवाऊंगा? तो फिर कौन कर सकता है ये काम? अब मुझे समझ गया बहना। क्या? अरे ये काम जरूर मालिनी ने करवाया है। मालिनी? हाँ। अरे बहना वो नकली टेप कांड के बाद वो मानसी पे बहुत भड़की हुई थी ना। ओ नो बहना, ये काम उसी ने करवाया है। मालिनी को फोन लगा। हाँ अभी लगा तो। क्यों? अरे कमाल है, तुम तो बहुत नॉटियो हैं। अरे तुमने इतनी बड़ी गड़बड़ कर दी और हमें भनक तक नहीं लगने दी। क्यों? मेरे को समझ में नहीं आ रहा है मामा जी। अच्छा बेटा हमसे ही मजाक कर रही हो है। अच्छा खैर ये बताओ, मानसी को ऊपर भिजवा दिया या वो अभी जिंदा है? मामा जी क्या पागलों की तरह बात कर रहे हैं आप? मैं आपकी तरह नहीं हूँ जो जेल जाने वाली हरकत करूँ। अरे लेकिन आप मम्मी जी को फोन दीजिए। हाँ एक मिनट लो बात करो। मालिनी बेटी। मम्मी जी ये मामा जी क्या बोल रहे हैं? इसकी बातों का बुरा मत मानना बेटी, ये कभी कभी बेवकूफों वाली बात कर बैठता है, लेकिन बेटी जो बात हुई है वो वाकई बहुत अचरज वाली बात है। लेकिन हुआ क्या है बेटी? मानसी को किसी ने किडनैप कर लिया है। क्या? लगता है भाई महक को बिल्कुल मजा नहीं आया। आंटी मजा आया लेकिन। लेकिन क्या? लेकिन आंटी अभी तो आप चली जाएंगी, फिर हमें आपकी बहुत याद आएगी। भाई याद तो मुझे भी आपकी बहुत आती है। आंटी पता है जब भी आप हमारे साथ होती है ना ऐसा लगता है कि आप हमारी मामा है। हाँ तो तुम लोगों की मम्मा जैसी ही तो हूँ मैं। अच्छा छोड़ो इस बात को, बताओ आइसक्रीम खाओगे या सेव पूरी? सेव पूरी। भैया बाबा के लिए तीखा सेव पूरी बनाइएगा और बेबी के लिए मीठा। आंटी आपको कैसे पता चला कि मुझे मीठा पसंद है और भैया को तीखा? वेरी सिंपल, आप संजू इतना तीखा दिखाई पड़ता है तो उसे तीखा ही पसंद होगा, और तुम इतनी स्वीट हो तो तुम्हें स्वीट पसंद होगा। अब तुम लोग मुझे इस तरह से क्यों देख रहे हो? चलो भाई जल्दी जल्दी खाओ। सिर्फ चेहरा अलग है, बाकी सब हमारी मामा जैसे ही है। पता है उस दिन जब आपने पीछे से आकर मेरी आंखों पर हाथ रखा था
तब मुझे ऐसा लगा कि आप बिल्कुल मेरी मम्मा ही हैं। आंटी, सब कहते थे कि मम्मा भगवान के घर चली गई हैं, मगर मेरा मन कहता है कि एक दिन मम्मा जरूर वापस आएंगी। तुम्हें ठीक लगता है बेटा, वो एक दिन जरूर वापस आएंगी। आंटी, आपको देखते ही ऐसा लगता है कि भगवान ने हमारी मम्मा को वापस भेज दिया है। अच्छा, ये सब बातें बाद में करेंगे, चलो खाओ, मैं खिला। मैं तो ये कहती हूँ, आप लोगों को किडनैपर को पैसा नहीं देना चाहिए। पुलिस स्टेशन में जाकर एक रिपोर्ट लिखवानी चाहिए, साथ ही एक एडवर्टाइजमेंट देना चाहिए, ताकि वो किडनैपर घबरा कर अपनी पहचान छुपाने के लिए मानसी का मुंह हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दे। माँ, और कितनी परीक्षाएं लोगी मेरी, क्यों मेरे साथ ही हर बार ऐसा कर रही हो? मैं एक माँ होकर भी अपने बच्चे के लिए खुलकर रो भी नहीं सकती, अपनी भावनाएं दुनिया के सामने नहीं दिखा सकती। मेरे सब्र की और परीक्षा मत लो माँ, मेरे संजू को ठीक कर दो। इंजरी तो नहीं है? नहीं, घबराने की कोई बात नहीं है, छोटी सी चोट आई थी,
अभी ठीक हो जाएगा। आंटी आप रो क्यों रही है? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। नहीं बेटा मैं नहीं रो रही हूँ, बस आप ठीक हो गए हो ना? नर्स एक्सक्यूज मी डॉक्टर, मैं देख सकती हूँ? हाँ हाँ क्यों नहीं। थैंक यू। डॉक्टर ये मेडिसिन इसे नहीं दे सकते हैं, ही इज एलर्जिक टू इट। ओह आई सी, ठीक है तो फिर मैं कुछ अल्टरनेट डोज दे देता हूँ इन्हें। थैंक यू। आंटी आपको कैसे पता कि भैया इस इंजेक्शन से एलर्जिक है? का मतलब आप? आंटी आंटी आप प्लीज हमें सब बता दीजिए। आंटी आप कौन है प्लीज? आंटी आंटी जब से आप हमारी जिंदगी में आई है हमें ऐसा लग रहा है कि आप हमारी मम्मा है, लेकिन आपके चेहरे की वजह से हम किसी को कुछ भी नहीं बता पाए। लेकिन आपका चेहरा आपके चेहरे की वजह से संजू मैं ही तुम्हारी मामा हूँ बेटा। मामा